नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि यानी कि मूंग की हाथ से कटाई करने के बाद में कितने समय के बाद में यानी कि इसको निकाल सकते हैं थ्रेसर से। तो किसान भाइयों, यानी कि हमारा जो मूंग है यानी कि कल सुबह की कटी हुई है और यानी कि आज जो है सुबह है इसको हम लगभग अभी टाइम क्या हो रहा है तो यह है जो खेत है हमारा यानी कि कल 12 बजे तक कट गया था और अभी जो है यानी कि 10 बज रहे हैं तो इस समय हमने हमारे जो खेत में इसमें यानी कि निकालने का काम चालू कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा आपको पास से चल के बता देता हूँ कि इसका जो लाख है वो कितनी क्या गिली है, सांसी कैसे क्या उसके पत्ते हुए हैं। तो चलिए चल देता हूँ थोड़ा पास में। तो इसकी यह कंडीशन है यानी थोड़े जो पत्ते वगैरह हैं वो हल्के से मुरझाए हुए हैं, कुछ पत्ते जो ऊपर की साइड से वह थोड़े से कड़क भी हो गए हैं, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है थ्रेसर में माल निकालने में। मैं आपको थोड़ा सा थ्रेसर के पास चल के बता देता हूँ और यानी कि क्या दिक्कत आ रही है, साथ ही माल कैसा क्या आ रहा है। बाकी जहाँ तक है यानी कि कोई बिना परेशानी के जो है हमारा सारा माल निकल जा रहा है। अब तो इनकी गलथा वगैरह भी काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो किसान भाइयों, इनकी अगर आपने भी अपना माल जो है आप जल्दी निकलाना चाहते हैं तो आप एक दिन के बाद में निकला सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और काफ़ी बढ़िया है। इनकी साफ भी माल आ रहा है, भूस भी बढ़िया बन रहा है, इनकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यह मेरी जो वीडियो बनाने का इनकी आज का जो तात्पर्य था ये यही था कि इनकी हम अगर हाथ से कटाई करवाते हैं तो कितने समय के बाद में हम इनकी मूंग को निकला सकते हैं। तो किसान भाइयों, इनकी यहाँ पर जो है हमारी लगभग 24 घंटे के बाद में हमने हमारी जो कटाई वगैरह है या उसके बाद में थ्रेसिंग करना स्टार्ट कर दी है और क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। तो किसान भाइयों, इनकी पत्तों से कोई मतलब नहीं है, पत्ते अगर हमारे हरे भी रहेंगे, हल्के से चमकीले भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी माल निकलने में। बस जो फलियाँ वगैरह हैं वो आपकी सही से होना चाहिए और यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये फलियाँ वगैरह बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से निकल रही है, कोई भी में भी कचरा नहीं आ रहा है, दाने वगैरह भी नहीं जड़ रहे हैं। और तो किसान भाइयों, यानी कि हमारी जो है यानी कि मूंग यहाँ पर इसके जो पत्ते वगैरह हैं वो तो पूरे हरे ही हैं और बाकी इसकी जो फलियाँ वगैरह है वह पूरी तरह से कड़क हो गई थी, तो इसलिए जो है कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है माल भी निकालने में। और अगर आपकी भी फलियाँ वगैरह कड़क हैं और पत्ते अगर हरे भी हैं तो आप आसानी से निकला सकते हैं, और अगर बाकी थोड़ी फलियाँ अगर आपकी नरम वगैरह है तो आप उसको थोड़ा एक दो घाम खिला करके और उसके बाद में ही निकलाएँ। तो किसान भाइयों, यानी कि काफ़ी बढ़िया तरीके से इनकी थ्रेसिंग भी हो रही है, उसका जो वेस्टेज माल था वो भी अब उधर नहीं जा रहा है, हमने थोड़ी सी और सेटिंग की है, इसके बाद में थोड़ा सा कचरा और वाली चाहे अंदर आ रहा है, बाकी जो है वो हमारे हाथ में तो है, कम से कम जो फलियाँ वगैरह है अब हम धार वगैरह में रख करके और इनको भी निकाल लेंगे, बाकी अगर वो गलथे में जाता है तो किसी भी काम का नहीं रहता है। किसान भाइयों, यानी कि हमारी जो है आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि यानी कि हमारे किसान भाइयों को बता सकें कि मूंग कटने के कितने समय के बाद में इस थ्रेसर से यानी कि निकला सकते हैं। तो किसान भाइयों, यानी कि हमारी जो मूंग है इनकी लगभग कल सुबह कटी थी और लगभग 24 घंटे में हमने इसकी थ्रेसिंग करना स्टार्ट कर दी है और माल भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो यही सब कुछ था आज की वीडियो में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएँ। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।